हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ नया बनाने वाले हैं, टोटली डिफरेंट। तो अगर आप एग खाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे मैंने दो चपातीज ले ली हैं और दो ऑमलेट्स ऐसे ले लिए हैं, और यहाँ पे मैंने ली है आलू भुजिया, सबकी फेवरेट सॉस, एंड मेयोनीज, और एक स्पून। यहाँ सबसे पहले हम एक एग को रखेंगे, मतलब ऑमलेट को, और उसके ऊपर चपाती रख लेंगे। एंड अब हम थोड़ा सा सॉस जो पूरी चपाती पे स्प्रेड हो जाए, और थोड़ी सी मेयोनीज लेंगे, इससे टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाएगा। मेयोनीज ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि गाढ़ी होती है थोड़ी, तो ये टेस्ट स्प्रेड मतलब थोड़ी सी कर देगी। एंड फिर हम इसे स्पून से स्प्रेड करेंगे। अब ध्यान रखना कि दोनों चीज़ें आराम से मिक्स होके पूरे इस पर स्प्रेड हो जाएं। आपको चपाती पे घी नहीं लगाना, प्लेन चपाती लेनी है। सो इसका कुछ कलर इस तरीके से हो जाएगा, पिज़्ज़ा के उसके जैसा। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी भुजिया स्प्रिंकल कर देंगे, टेस्ट के लिए। और इसे स्पून से, या जो भी आपके पास फोक या स्पून जो भी है, उससे स्प्रेड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट थोड़ा चटपटा आएगा और ये एनहांस करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड अब हम इसको बंद कर देंगे, लाइक दिस। आवर रोल इज रेडी। यम गाइज, यू शुड ट्राई दिस, एंड यस, सर्व इट हॉट। आई डू इट अगेन। गाइस, जब मेयोनीज और सॉस मिक्स होंगे तो थोड़े ब्राउनिश से दिखेंगे आपको, भले ही वो अजीब दिखे बट वो सही होता है। अब अगर वो ब्राउनिश कलर नहीं आए, इसका मतलब आपके मेयोनीज और सॉस ठीक से मिक्स नहीं हुए। I'll add some of this भुजिया। गाइज, ये आपके ऊपर है कि आप इसको ऐसे स्प्रेड करते हो
तो आप इसमें मेयोनीज ज़्यादा रखते हो कि सॉस? अगर आप मेयोनीज ज़्यादा रखोगे तो मेयोनीज का टेस्ट ज़्यादा आएगा, और सॉस रखोगे तो सॉस का। मैं तो दोनों को इक्वल क्वांटिटी में रखती हूँ ताकि एकदम परफेक्ट बने। लुक्स सो टेम्प्टिंग गाइस। अब मैं इस पे ऑलमोस्ट हर जगह पे भुजिया स्प्रिंकल कर दूंगी, सो इसका टेस्ट थोड़ा क्रंची सा है। एंड गाइस, अगर आप एक ही साइड ना रख के अगर दूर दूर थोड़ा सा स्प्रेड करोगे तो ये हर जगह से क्रिस्पी होगा। एंड यमी टू गाइस। आप अपने मन से अगर ज़्यादा भुजिया रखना चाहो तो ज़्यादा, कम रखना चाहो तो कम, आराम से कर सकते हो। लवली। एंजॉय योर ट्रीट। बाय।